और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। प्रशांत लाइट बंद करिए। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह जो थोड़े समय में आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग को भी इनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे MPW हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब का, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है और आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग इस काम में लगे हैं, इस राज्य में कुछ लोग जो हमारे विपक्ष के साथी वातावरण में ऐसी दूषित हवाओं को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे कर्मचारी संघ काफी डरे सहमे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सरकार अब गई कि तब गई, और होड़ लग गया है कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। हमारा इस राज्य में हर व्यक्ति एक समान है, हमारे लिए कोई आगे कोई पीछे नहीं, और सब लोगों के लिए हमारी चिंताएं हैं। आप अस्वस्थ रहें और बाकी सभी चीजें अपने कार्य अनुरूप, समय के अनुरूप चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ रही हैं तेजी से। हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देशित किया है, सभी विभागों में उलझी हुई चीजों का समाधान जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि राज्य को विकास की गति में और तेजी लाई जा सके। आज आप लोगों ने देखा, आज हिंदी दिवस भी है और कहीं ना कहीं आज का ये शुभ अवसर पूरे देशवासियों के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, और आज इस शुभ अवसर पर कई सौगातें हमारे झारखंड वासियों को सरकार ने दिया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।